हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी होंगी। आज है ना, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। सर्वाइकल का पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी काम है ना आज हो नहीं पा रहा है। ब्लाउज़ वगैरह रखे थे, स्टिचिंग किए हुए, उनको मैंने अभी तक हुक वगैरह भी उनमें नहीं किया है और बच्चे को जस्ट अभी स्कूल से लेके आई हूँ, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। चलती हूँ, पहले मैं अपना थोड़ा बहुत काम देख लेती हूँ और फिर मैं आपसे ना कुछ ब्लाउज़ के डिज़ाइन शेयर करती हूँ जो मैंने अभी हाल में सिले हुए हैं। मैंने आज हस्बैंड के लिए टिफ़िन में रोटी बनाई थी, तभी वो ज़्यादा सा बना ली थी, और यहाँ पे बना लिया है मैंने तोरी और चने का दाल का सब्ज़ी। तोरी नेनुआ को भी बोलते हैं, हाँ नेनुआ को ही तोरी बोलते हैं। इसमें आप साबुत चना डाल के भी बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए पहले मैं ना बच्चों को ये खिला लेती हूँ। ये मैंने निकाल लिया है इन लोगों के लिए खाने के लिए, तो बहुत नकनुक करता है मेरा बेटा। अब लेके चलती हूँ मैं खिलाने के लिए इनको। ये है इनको तोरी और घिया की सब्ज़ी, बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों अच्छी नहीं लगती है? ये लो खाओ, इतने बड़े हो गए मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है। सामने भी नहीं देखेगा अब ये बेटा। बेटे ने खाना खा लिया है, बेटी को पिला दिया है मैंने दूध, वो भी खाना खाने के लिए जिद कर रही थी, अभी भी मेरी तरफ देख रही है। खाना खा लेती तो फिर दूध नहीं पीती है, चटर बटर खाना चाहिए है ना। देखिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आज पूरा बेड किया गया है साफ फिर से, क्योंकि इस पे ही मैं कटिंग कर लेती हूँ और इसी के ऊपर मैं ये थोड़ा कुछ अपना काम वगैरह पेंटिंग का कर लेती हूँ, इसलिए इसको डेली मुझे साफ करना ही पड़ता है। ये आ गई महारानी अब मेरे गोद में, जहाँ मोबाइल देखती है वैसे ही बहाना चाहिए होता है। धीरे से मम्मी के हाथ से मोबाइल खींच ले, सरकते 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 है ना। लोमड़ी हो ना? सच्ची लोमड़ी हो? सच्ची लोमड़ी हो? अरे तो चलिए अभी हम लोग नहा लेते हैं। हम लोग मतलब सिर्फ मैं नहाऊंगी है ना, तुम भी नहाओगी? हाँ। चलिए मैं नहा लेती हूँ फिर मिलते हैं। अब आ गई हूँ मैं नहा के, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। अरे इतना ज़्यादा काम का लोड हो जाता है ना, इसीलिए अभी मैंने सोचा है 2-3 दिन है ना मैं रेस्ट लूँगी, कोई कुकिंग का वीडियो नहीं बनाऊँगी। हाँ। क्योंकि वीडियो के चक्कर में है ना बहुत ज़्यादा मेरे को हबड़ दबड़ हो जाती है, भागना भी पड़ता है मुझे बच्चों को स्कूल से लेके आने के लिए। हाँ मैं दिखा रही हूँ, कुछ मैंने पेंटिंग भी की है। ओहो हाँ हाँ मैं दिखाऊंगी। ऐसा हो जाता है बच्चे को, मेरे को लेना ही पड़ता है वीडियो में बेटी को। और है ना कल एक पाउच का ऑर्डर आ गया था, मतलब पीने वाले पाउच का नहीं, पेंटिंग के पाउच का ऑर्डर आ गया था मुझे। हालांकि ज़्यादा महंगे का ऑर्डर नहीं था, सिर्फ 150 रुपीज़ मिलेंगे, लोकल का ही है, शिपिंग वगैरह कुछ नहीं लगना है। मेरे बेटे के स्कूल के पहचान के हैं, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का है, ये वाली पेंटिंग की है मैंने, और ऐसी उन्होंने सेम बोला है एक और बनाने के लिए। मैंने बोला मैं दूसरा पेंटिंग कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना मेरे से, मैं ना एज्यूम करके बनाती हूँ, अपनी मर्जी से कॉपी करके नहीं बनाती ना, तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कि मेरे को ना वापस से सोचने में टाइम लगता है, तब देख के मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने उनको पिक भेजी थी ना, तो उन्होंने देखते ही बोला एक और बना देना ये, और मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे तुम ही रख लेना, लेकिन मैंने बोला वाइट वाला बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, और कपड़ा भी ख़त्म हो गया वाइट वाला। अगर वाइट वाला कपड़ा कहीं मिलेगा ना, मतलब मेरे खतरन के पिटारे से, तो मैं उसमें से निकाल के फिर से बनाऊंगी ये। और देखो ना इसमें मोर और क्या बोलते हैं मछली और ये कमल सब मैंने एक साथ बनाया। इवन मैंने ना अभी अपने बच्चे को, और मेरे पड़ोस में है भाभी, उनके बच्चों को भी मधुनी पेंटिंग है ना, स्कूल में कंपटीशन था तो करके बताया था, मतलब मैंने उनको आउटलाइनिंग करके दे दी थी और कलर फिलिंग करने के लिए सिखाया था। तो बेटी है ना उनकी सिलेक्ट हो गई है, कोई बता रही थी कि आंटी मुझे सिलेक्ट किया गया है, बहुत अच्छी पेंटिंग थी, टीचर कह रही थी कि तुमने प्रिंट निकाला है। तो मैंने बोला मैंने पहले ही कहा था ना मैंने तुम्हारे ही लिए बनाया था, मैं अगर अपने हिसाब से पूरा बनाती तो टीचर तुम्हें पकड़ लेती पक्का, फिर भी उन्होंने पकड़ लिया। तो चलिए मैं ना आपको ब्लाउज़ भी दिखा देती हूँ जो ब्लाउज़ मैंने बनाया। देखा मेरी बेटी कितना पीछे पीछे बोलती है महारानी, और कपड़े तो उसको पहनना ही नहीं है, स्कूल से जैसे ही आई है तुरंत कपड़े निकाल के फेंक दिए। ये दो ब्लाउज़ हैं ना मैंने सिले हैं, ये एक ब्लाउज़ की कहानी तो बड़ी पुरानी है। 2 साल पहले मैंने एक ना पर्पल कलर का करवा चौथ पे इवनिंग में साड़ी पहनी थी साउथ इंडियन स्टाइल में, उसका ये ब्लाउज़ है। तभी से रखा रखा, अभी तक सिला नहीं था, कटिंग करा करा रखा था, अब फाइनली मैंने सिल दिया एज यूजुअल। जैसा हमेशा बताती हूँ फ्रंट से मैंने कटोरी वाला रखा है, क्योंकि बैक में पैटर्न होता है ना तो इनर पैन नहीं पहनते, ठीक है। और ये ऐसे फ्रंट का है और ये है बैक का, देखिए इस पर हम लोगों ने ऐसे झरोके वाला वो बनाया था। चलते बेटी हिला होनी बेटा, ये बनाया है जाली और ऐसी बाजू पे बनाया है हम लोगों ने। देखिए जब मैं 2 साल पहले की बात बता रही हूँ ना, तो वो टाइम पे प्रॉपर मेरे पास सीखने के लिए वो
जहाँ मैं पुरानी सोसाइटी में रहती थी ना, वहाँ पे मैं सिखाती थी, तो वहाँ पे मेरे पास सीखने के लिए आते थे ना सब लोग, तो वहाँ पे ये ब्लाउज मैंने कटिंग किया था और एक स्लीव्स मैंने उनसे बनवाई थी, है ना। और कहते ना वही सीखने वाला नौ, जो कि वो है ना शायद वहाँ से आती थी कहीं पे, पहले वो न्यू अशोक नगर वगैरह कहीं रहती थी और वहीं पे फिर हमारे बगल में ही शिफ्ट हुए थे वो, तो उन्होंने बोला था मैं सीखी हुई हूँ मुझे, लेकिन है ना मैंने, मुझे डिज़ाइन वगैरह इतना नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो उनको मैंने इतने अच्छे से सिखाया, फिर भी उन्होंने ये इस तरीके से सिखाया था। मैंने उनको प्रॉपर पेपर रख के बताया था करना कि उसको इनविजिबल कैसे करते हैं, तो भी उन्होंने कुछ इस तरीके से किया था। फिर मैं तो वहाँ से शिफ्ट हो गई, तो फिर सब कुछ मुझे वहाँ पर छोड़ना ही पड़ा। और लेकिन जब मैं खुद करती हूँ ना, तो देखिए मैं खुद का काम बता रही हूँ, मैं अपने काम की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये देखिए यही काम का फ़र्क होता है। आपको इसमें कहीं से दिख रहा है, ये है बैक वाला और ये है फ्रंट वाला, देखिए है ना, दोनों जगह एक जैसी ही सफाई आई है और ये भी हम लोगों ने पलट के किया है। तो इसी काम को कहते हैं बुटीक वाला काम, ठीक है ना। लोग इसी के पैसा देते हैं, जो नहीं देते वो ऐसे वाले काम को करवा के जाते हैं। कहाँ गया ये वाला काम, है ना। तो ये दिखने में ऊपर से तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। ये आप रफ एंड टफ यूज़ करोगे, अगर इस तरीके से करोगे साफ सुथरा वाला, तो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो अच्छे से, कब बहुत मतलब पहन सकते हो, ख़राब नहीं होगा। और ऐसी मैंने बैक में भी किया था, देखिए इस तरीके से, है ना, दोनों साइड मैंने ऐसी साफ सुथरा वाला कर लिया है, कहीं से वो निकले हुआ ऊपर से लगाया हुआ नहीं दिखेगा। और इसकी फिटिंग भी ना बड़ी अच्छी आई है, मतलब कुल मिला के झरोके वाला है, आप अपने लिए बनवा सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसको फ्रंट हुक भी कर सकते हो, दो टैक्स वाला चार टैक्स वाला, जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट में इस तरीके से करें। मुझे मैंने सिला है वो भी बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर का है, गोल्डन कलर का ब्लाउज एवर ग्रीन होता है, लेकिन मेरे पास है ना एक साउथ की साड़ी है उसके लिए मैंने ये सिला है। और ये है बैक वाला पैटर्न, बहुत प्यारा लग रहा था ये पहनने में। इसकी भी मैं रील शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है ना तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, अच्छी अच्छी रील्स देखिए, अच्छे अच्छे आपका ऐसे ब्लाउज के पैटर्न दिखेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे ना, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाती स्टिच किया हुआ, तो वहाँ पे आपको रील में एटलीस्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पैटर्न। ये है फ्रंट मतलब आगे वाला पार्ट, और ये है इसके अंदर पीछे वाला, इतनी ही सफाई से किया गया है, देखिए सारा काम उतनी ही सफाई से किया गया है, ऐसे नहीं है कि उल्टा सीधा उठा के दे दिया गया है कि फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और प्योर चिल्लाते रहते बच्चे मेरे और प्योर कॉटन का है अस्तर, और इसकी जो बाजू है वो इस तरीके से है, बैलून स्लीव से, इसमें इलास्टिक डाला है हम लोगों ने ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा पफ जैसा दिया है। ये मैं ना एक दो बार ऐसी फॉर्म में पहनूंगी इस तरीके से, बाद में मैं इसको जब मेरा पहन के मन भर जाएगा ना तो इसको काट के छोटा स्लीव्स कर दूंगी, लेकिन एक दो बार तो पहनूंगी ना। फ्रंट में इसको भी चोली कर दिया है मैंने, ये देखिए, और ये थोड़ा लूज सिला है इसलिए बड़ा दिख रहा है ब्लाउज, इसलिए लूज सिला है क्योंकि ये गोल्डन कपड़ा है ना, तो ये जो ना कपड़ा होता है ना ये चिपकता बहुत ज्यादा है, जो कि मैंने अस्तर का लगाया और काटता है, क्योंकि ना इसमें ये निकलते हैं ना, इंटरलॉक किया है मैंने, फिर भी इसमें ना वैसा निकलता रहता है चमक चमक चमक, ये देखिए चमक चमक निकलता रहता है ना, जिसकी वजह से क्या पहनने में थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो ये दो ब्लाउज तो मैंने आपको दिखा दिया, और एक मैंने आपको पेंटिंग का दिखा दिया, एक बैग मैंने और रेडी किया है, ये मैं किसी को गिफ्ट करने वाली हूँ, ये देखिए इस पर भी मैं जल्द पेंटिंग करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। फोम डाल के बनाया हुआ है, आप किसी भी फैब्रिक का बना सकते हैं। और अगर आपको ये इसका वीडियो सीखना है ना कि कैसे करना है, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं आपको करके बताऊँगी, फालतू मेहनत नहीं करूँगी बहुत मेहनत हो जाती है और फिर उस हिसाब से व्यू नहीं मिलता है ना, तो ये लगता है यार छोड़ो। मैंने ये भी बैग बनाया है, ये मेरे लिए बनाया है ऐसी सेम, मैंने पेंटिंग अलग है और थोड़ा सा चौड़ा है, वो एक गिफ्ट किया था मैंने किसी को, ऐसी ऐसे लंबे फॉर्म में भी मैंने किसी को बना के दिया है, ज़्यादा पैसे नहीं मिले एक्चुअली, उन्होंने ऑर्डर पे बनवा तो लिया, फिर पैसा देने का टाइम उनकी हाँ वाली फीलिंग हो गई, मतलब अब तो इज्जत वाली बात हो गई है, हाँ मैं तो ले लूँगी ये वाली बात हो गई। फिर मैंने उनको दिखाया अमेजन पे, इसके रेट ज़्यादा चल रहे 1000 के प्लस है, लेकिन आप मेरे को इतना मत दो, लेकिन एटलीस्ट आप मुझे 700-800 तो लगेगा, क्योंकि पेंटिंग में इसमें मेहनत होती है। फिर रोते गाते उन्होंने समझते फिर उन्होंने मुझे 650 दिए, फिर मैंने डिसाइड किया भैया ऐसे ऑर्डर नहीं लेने हैं, क्योंकि इनमें भी मेहनत लगता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अपने सर्वाइकल के पेन से, बहुत मुझे हड्डियों के साथ साथ नसों में दर्द होता है। तो फिर मैंने बोला आप ऐसे काम नहीं करने, लेकिन अब एक पर्स मुझे ऐसा अपने लिए फिर बनाना है, और दो तीन टॉट बैग भी बनाना है, मैं आपसे टॉट बैग भी जल्दी शेयर करने वाली हूँ। कतरन जो होता है ना वो वाला कतरन, दो तरीके के होते हैं, कपड़े काटने के बाद बच जाते हैं वो, कभी कभी पता है छोटे छोटे ऐसे कतरन मिल जाते हैं एक ही साइज के ना, कहीं से भी टुकड़ा वगैरह खरीद के ले जाते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा बैग रेडी होता है, तो वो मैं आपको शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।